निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो हैं आपके नेता पर। धड़कने बढ़ा देते हैं आप ऊपर से। आज तो एक तस्वीर जब ऐसी आई तो उस पर चर्चा शुरू हो गई। मनोज दास मनु जी, वो दे देंगे। आपका नाम मनोज दास मनु है? नहीं ना, मनोज दास मनु जी। देखिए हिमानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई तस्वीर आने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। लोग सफर में चलते हैं और मिलने ये राजनीति सुचिता का एक अंग है। हाँ। और उसमें वो साथ आए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और उस चीज को हम लोगों ने कहीं से कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और हमारे पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह हो, केसी त्यागी जी हो, सारे लोगों ने यही स्पष्ट रूप से कहा कि कोई लोग अगर सपना देख रहे हैं तो आप उनको सपना देखने से नहीं रोक सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है और हम एनडीए की सरकार बनाने के पक्ष में है। ठीक है, मैं दो चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ। कि अभी ये बोल रहे हैं कि इनको मैंडेट नहीं मिला। अरे आपको कौन मैंडेट मिल गया? आप 99 के चक्कर में चले गए। ऐसे भी नियम था, जो सबसे बड़ी पार्टी रहती है उसको राष्ट्रपति जी आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। और उनके अंडर में कांग्रेस जो है वहाँ। चितरंजन गगन जी, देखिए माना कि आज आप दोनों सेम कलर पहनकर आए, ट्विनिंग इन लेमन ग्रीन हो रहा है, यहाँ पर लाइम ग्रीन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि चचा आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है मनोज दास मनु जी आ रही हूँ, आप एक सवाल का जवाब ले रहे हैं। चितरंजन गगन जी, इसका मतलब ये थोड़े कि चचा इधर आ जाइए, चचा आपके साथ क्यों आएंगे? चचा आपके साथ मिलकर लड़े थे क्या? नहीं, हिमानी जी, सीधा स्पष्ट रूप से है कि जो यह जो चुनाव लड़ा गया था वह जो एनडीए के नाम पर नहीं लड़ा गया, मोदी जी के गारंटी पर चुनाव लड़ा गया। आप एक भी आप बता दीजिए कि यहाँ कहीं भी एनडीए का कहीं चर्चा हुआ हो, जो इनके तरफ से जो घोषणा पत्र जारी हुआ वह मोदी की गारंटी के रूप में जारी हुआ। तो मोदी के गारंटी को तो देश की जनता ने नकार दिया, मोदी जी को तो देश की जनता ने नकार दिया। मोदी जी को जो नंबर्स दिए हैं वो यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं और वो पूरे गठबंधन के भी नहीं है, उसमें 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 8 सीटें कम है जो दिख रहा है। लेकिन ठीक है, आप बोलिए। हाँ, अरे बोलिए, मैं सिर्फ आंकड़े बता रही थी, जब आप बोल रहे थे तो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, आप बोलिए। सुन लीजिए, तो सवाल यह है जिस व्यक्ति के खिलाफ जनादेश मिला है, जनादेश के खिलाफ में मिला है, तो थोड़ी भी नैतिकता रहे तो सो इस्तीफा देते हुए रहते प्रधानमंत्री। आपका ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है सर, आपका ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है, इसमें आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार उसको ठीक करवाती हूँ फिर वापस लौटूंगी। लेकिन तब तक दीपक जी आप कुछ कह रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा था, ये जो बात कर रहा हूं। आ रही हूं सिद्धार्थ जी। हाँ। देखिए जो उन्होंने बोला कि मैंडेट वाली बात है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, सरकार 10 साल से उनकी थी, उनके वोट कम हुए, वोट की वोट परसेंटेज कम हुई है, उनकी सीटें कम हुई है, अकेले अपने दम पे वो 302 पे थे, वो 239 पे आ गए हैं। अरे बाबा ठीक है, लेकिन गठबंधन में आप भी लड़ रहे थे, गठबंधन में वो भी लड़ रहे थे, ठीक है ना? तो वही सर, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आंकड़ा किसके पास है? आपने सवाल पूछा बीच में संशोधन किया, उसकी मैं आपका जो स्वागत करता हूँ, पर मैं उसी भी बात को कह रहा हूँ। ये भी तो आप मानेंगे कि नायडू साहब और नीतीश कुमार जी 6 महीने पहले हमारे साथ थे, ये भी तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे? तो जब जो हमारे साथ 6 महीने पहले थे तो हो सकता है अभी 6 घंटे में की वेट करिए आप, 6 घंटे बाद हमारे साथ आ जाए। जनता के आदेश का अपमान नहीं है ये? जनता का नहीं, जनादेश का अपमान है। जनादेश क्या है? जनादेश देखिए उन्होंने 293 जनादेश किसका है? वो भले आदमी, उन्होंने गलती कर दी, उनको बरगला गया, ये हुआ। देखिए मैं कह रहा हूँ, तो वो 6 घंटे बाद अपनी गलती को स्वीकार करके हमारे सिद्धार्थ जी बरगला दिया आपने, वो कह रहे हैं दरअसल नजर है टीडीपी और जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर, नीतीश बाबू पर और चंद्रबाबू नायडू पर। वो कह रहे हैं कि अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बरगला दिया, पुराने साथी हैं हमारे। पहले तो जो फैक्चुअल कुछ गलत बात कह रहे थे मैं उसका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा का वोट परसेंटेज कम हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। भाजपा का वोट परसेंट 2019 में हमको 37% मिला था, इस बार 39% मिल रहा है। भाजपा को देश भर में वोट ज्यादा मिला है। हाँ, वोट परसेंटेज कई बार सीट्स पे परसेंटेज डाउन हुई है सर, संख्या मत गिनिए, मानते हैं संख्या तो पॉपुलेशन से जुड़ी होती है। मैं आपके बीच नहीं बोला था ना, अपने की हिम्मत। दूसरी बात,
ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई छात्र स्कूल में पढ़ता हो, वो पहले हमेशा जीरो अंक लाता हो, अब वो एकदम से 25 अंक ले आया तो कहा जा रहा है वाह 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 पप्पू पास हो गया। अरे पप्पू के पासिंग मार्क्स तो 40 थे, पास तुम हो नहीं पाए, सरकार तुम्हारी बन नहीं पाई, पर जो 100% आता था, जिसने 100% का मार्क सेट किया था वो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, पर उसके आए 90%, तो उसको भी समझाया जा रहा है कोई बात नहीं अगली बार और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, हम देश में सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे यही उदाहरण देके तो आप आरक्षण खत्म करेंगे जो मैंडेट है पूरे गठजोड़ से भी ज्यादा है। अदर कांग्रेस पार्टी के पिछले 3 चुनावों में सीटें नहीं आई, इससे ज्यादा बार अपने लेकर, इसलिए हार हो गई क्योंकि 17 राज्य की सरकार साथ में आई है। इसलिए ये जो आपकी खुशी है 4 महीने के उस पर, अब मैं ईमानी से एक बात और बता दूं, ये अभी आप ही के शो पर बैठे, लेकिन देखिए सिद्धार्थ जी अब ये तो है कि पूरी तरह से निर्भरता जो आपकी है वो ठीक है कि वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट भी कर चुके हैं, बयान भी सामने आ चुका है कि भैया हम एनडीए के साथ है, उसे मजबूत करेंगे, वही सरकार बन रही है। लेकिन आपको ये भी पता होगा सिद्धार्थ जी कि टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, ये पिछली बार अगर आप लोगों से नाता तोड़कर गए थे तो उसके पीछे की वजह क्या थी? हेवी मंत्रालय तो देखिए आपसे मांगे ही जाएंगे, वो नेगोशिएशन तो चलेगी और हो सकता है कि उस वो शुरू भी हो चुकी हो, लेकिन इसके इतर ये भी हैं दो चीजें, एक ही कॉमन जो इन दोनों की ही मांग थी, विशेष राज्य और साथ ही साथ वो स्पेशल पैकेज की। देखिए हिमानी जी, जो विषयों पर हमको अपनी एक सहमति बना करके आगे बढ़ना है वो कोई भी सरकार अगर एनडीए की बनती है वो वैसे भी बना करके आगे बढ़ती है। ये हमारे घटक दल थे, हम जनता के बीच में एक प्री पोल अलायंस करके गए थे, ये कोई जोड़ तोड़ का सरकार बनने का मैंडेट के बाद आने का कोई अलायंस नहीं है, ये कोई गिद्ध की तरह नजर नहीं है जैसे ये एनडी ब्लॉक वाले लगा करके बैठे हुए हैं, जैसे ये सोच करके बैठे हुए हैं बिहार में क्या किया था होता है वैसा होता है। हम जनता के बीच में एक मैंडेट की पार्टी, एक विकल्प लेकर के गए, देश की जनता ने उस विकल्प को चुना, गठबंधन चुना, वो गठबंधन सशक्त है, सरकार बनाने जा रहा है। अजय जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कहां से आगे बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा। अजय जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे और साथ ही साथ आप पर ये आरोप लगाया है कि आपने भी तो जहां जहां जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें नहीं थी वहां वहां ऑपरेशन लोटस जिसका ही जिक्र करते हैं, लेकिन एक बार पहले क्या कह रहे हैं अजय जी, पूरी बात सुन लेते हैं। सिद्धार्थ जी आप तो भाई ज्ञानी आदमी हैं, देखिए सबसे पहले तो 400 पार का एक नारा पूरे देश में था, जब भी कहीं चर्चा होती थी तो 303 से आप 240 आपकी सिंगल डिजिट सीटें रह गई। हमारा छोड़ दीजिए, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमने तो पाया है, हम पे तो खोने के लिए कुछ था नहीं, और विपक्ष में ही बैठे हुए हैं, हमें नहीं सरकार पाया है तो, लेकिन अजय जी इतना नहीं पाया कि सरकार बना पाए ना। आप खुले दिल से कहिए कि ठीक है नंबर अच्छे हुए हैं, आप ही को कह रही हूँ, आप ही से कह रही हूँ, कह रहा हूँ हमने तो विपक्ष में बैठे हैं, हमें कोई शौक नहीं है सत्ता में जाए, आप समझ लीजिए। लेकिन देश के लोग ये मांग कर रहे हैं कि 75 का नियम बनाया था मोदी जी, सत्ता छोड़ दीजिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा आप दीजिए, प्रधानमंत्री पद के लिए मना कर दीजिए, आरएसएस मना कर चुकी तो है, इसकी चिंता वो करेंगे ना, आप राय भी तो बतानी पड़ेगी ना, वो चिंता करें या ना करें। दूसरी बात ये है, देखिए राजनीति में पॉलिटिक्स वार और लम्बे हर चीज संभव है, पता नहीं कौन के घटक दल किसके साथ आ जाए, कब का चल जाए, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। माननीय सम्माननीय नीतीश जी अपने आप चर्चा करेंगे, बात होंगी, कह चुके हैं कि आप लोगों के साथ नहीं आएंगे तो फिर क्यों डोरे डाल रहे हैं आप उन पर? नहीं डाल रहे, प्रयास तो राजनीति में आखिरी क्षण तक करना चाहिए। अच्छा तो फिर तो जनता बेवकूफ, मतलब जनता बेवकूफ जो पहले ही दिन आप लोग कह रहे थे वही बात आप साबित कर रहे हैं। 400 पार और मोदी की गारंटी वो तो उड़ गई। पता है संसार के जो पेपर्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियंस, अल जजीरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और ऑनलाइन द इंडिपेंडेंट, अगर इनको आप पढ़ेंगे तो किस कदर से उसने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी को, अगर वो लिखते हैं तो कहते हैं अरे साहब हमारे लिए विश्वगुरु हो गए, उन्होंने लिखा कि ये जीत नहीं है ये हार है, नैतिकता के आधार पर इस पर सोचना चाहिए। इतने सारे पेपर संसार के करें, चूंकि आप तो विश्वगुरु हैं, आप विश्वगुरु हैं और आप प्रथम बन गए हैं संसार में, तो मोदी जी को सोचना चाहिए, कहां है वो मोदी की गारंटी, ये हार मोदी जी की है और ये जीत मोदी जी की है। अगर 63 में से 240 लाए तो उनका नाम, पार्टी खत्म कर दी, हार जीत तो चलती रहती है भाई।